ब्रज में लठमार होरी की परंपरा बेहद प्राचीन है और बरसाना को इसका केंद्र माना जाता है। बरसाने की लठमार होली के प्रसिद्ध होने की वजह है इसका परंपरागत स्वरूप, जिसमें बरसाने की हुरियारिनों से होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे आते हैं और इसके लिए बायकादा एक दूत द्वारा नंदगांव में न्योता भेजा जाता है जो आज के दिन लौटकर बरसाना आता है। इस दूत को पंडा कहा जाता है और जब ये पंडा लौटकर बरसाने के प्रमुख श्रीजी मंदिर में पहुंचता है तो यहाँ मंदिर में सभी गोस्वामी इकट्ठा होकर उसका स्वागत करते हैं। और बधाई स्वरूप पंडा पर लठ फेंकते हैं। उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद भक्त भी पंडा के ऊपर लड्डू फेंकते हैं, जिसे हम सभी लड्डू होली के नाम से जानते हैं। इस होली में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से भक्त बरसाना पहुंचते हैं और लड्डू होली का आनंद उठाते हैं। बरसाना के लाडली मंदिर में खेली गई लड्डू होली को देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं, जिसमें श्रद्धालुओं पर पहले ही राधा रानी मंदिर के सेवायतों द्वारा लड्डू फेंक कर होली की शुरुआत की जाती है, जिसके बाद श्रद्धालु अपने साथ लाए लड्डुओं को एक दूसरे पर मारकर होली का आनंद लेते हैं और नाचते हैं, गाते हैं और जमकर गुलाल उड़ाते हैं। और पूरी तरह से होली के रंग में रंग जाते हैं और भगवान के साथ होली खेलकर मस्त हो जाते हैं। इस होली में शामिल होने वाले भक्तों के उत्साह की एक खास वजह ये भी है, जो भक्त यहाँ आते हैं उनमें लड्डू लपकने के लिए होड़ लग जाती है और ये सब कुछ लड्डू खाने के लिए होता है, इससे इन्हें इसी दिन होली खेलने का मौका भी मिलता है। उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। आज यहाँ पर लड्डू लीला का आयोजन किया जा रहा है। आज के दिन बरसाना के राजा की सखियों के रूप में एक सखी नंदगांव में होली का निमंत्रण दी जाती है और उस निमंत्रण को स्वीकार करने के बाद में भगवान कृष्ण के सखा के रूप में एक पांडे यहाँ आते हैं प्रतीकात्मक, और जब वो यहाँ आते हैं तो उनका हम बरसाना वाले चट्टाना राजा जी की सखिया और उनके सहचरी और उनके परिवारजन सेवाएं उनका लड्डुओं से स्वागत करते हैं, भोग लगाते हैं। चूँकि बताया गया है जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले तो गणेश जी का पूजन होता है और गणेश जी का पूजन होने के बाद उनका भोग लगाया जाता है, लड्डू या गुड़ से लगाया जाता है। लड्डुओं में भी बूंदी का लड्डू सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज भगवान कृष्ण के सखा के रूप में जो पाड़े भी आए हुए हैं उनका यहाँ लड्डुओं से भोग लगा के स्वागत किया जा रहा है, और जिन यात्रियों को ये लड्डू का प्रसाद मिल जाता है वो अपने आप को अपने जीवन को धन्य मानते हैं और यही आशा और विश्वास करते हैं कि अगर हमें जन्म मिले तो बरसाना का मिले, वृक्ष का मिले, चाहे हम पशु बने, पक्षी बने, जीव जंतु या कुछ भी बने, पहाड़ बने, कभी वृक्ष का ही बने, यहाँ